नमस्कार दोस्तों, भारत में काफी समय से पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो रही है और कुछ राज्यों में नियम भी बनाए जा रहे हैं। मीडिया का एक हिस्सा ये बात भी कर रहा है कि अगर मुसलमानों की आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो वो भारत में मेजॉरिटी में आ जाएंगे और फिर उनकी हुकूमत होगी। इसमें कितनी सच्चाई है, आइए देखते हैं। 2001-2011 की जनगणना में हिंदुओं की पॉपुलेशन ग्रोथ थी 16.76% और मुसलमानों की ग्रोथ रेट थी 24.60%। 2011-2021 की दहाई में ये उम्मीद है कि हिंदुओं की ग्रोथ रेट होगी लगभग 15.7% और मुसलमानों की ग्रोथ रेट होगी लगभग 18.2%। 2021 और 2031 की दहाई में ये उम्मीद है कि हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ में ये डिफरेंस और भी कम हो जाएगा। सन 2061 में हिंदुओं की आबादी और सन 2101 में मुसलमानों की आबादी स्थिर हो जाएगी। और जब सन 2101 में आज से लगभग 80 साल बाद मुसलमानों की आबादी स्थिर होगी तब ये भारत की आबादी का लगभग 18.8% होगा। मुसलमानों की आबादी का जो हवा दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। मुसलमानों की आबादी को लेकर डरना और डराना दोनों बंद होना चाहिए। शुक्रिया।